अन्य समस्याओं को छोड़ा जाए तो एक अहम समस्या जिससे लोग काफी परेशान होते हैं, कई बार ग्राहकों से बेहिसाब बिल वसूला जाता है। कई बार बिजली बंद होने के कारण ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं तो कई बार उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्राहक त्रस्त होते हैं। कभी बेहिसाब बिल तो कभी मीटर में खराबी आदि परेशानियों का सामना नागरिक करते हैं। उपभोक्ताओं की इन सारी समस्याओं को सुलझाने महावितरण ने अभिनव उपक्रम शुरू किया है, जिससे अब ग्राहकों की सारी परेशानियों का समाधान ग्राहक अपने मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। ग्राहक घर बैठे बिजली बिल अदा कर सकते हैं, साथ ही बिजली से जुड़ी शिकायतें भी मोबाइल द्वारा महावितरण को भेज सकते हैं, जिससे ग्राहकों की हर समस्या का समाधान होगा। इन सारी बातों के लिए ग्राहकों के लिए महावितरण ने सुविधा मुहैया कराई है, जिसके द्वारा ग्राहक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब ग्राहक घर बैठे ही मोबाइल से बिजली बिल भर सकते हैं या अपनी शिकायतें महावितरण को भेज सकते हैं, जिसमें ग्राहक क्रमांक, बिजली बिल राशि, बिल भरने की अंतिम तारीख दी होगी। ग्राहक यह जानकारी www.mahadiscom.in पर अथवा ऐप द्वारा भेज सकते हैं। चंद्रपुर परिमंडल में 7,692 ग्राहक है। चंद्रपुर परिमंडल में चंद्रपुर जिला, गढ़चिरौली इन जिलों का समावेश है। 7,692 ग्राहकों में से 283,433 ग्राहकों ने अभी तक इस सिस्टम में अपने मोबाइल नंबर दर्ज कराए हैं। उसका प्रतिशत 40.45 है। इस सेवा का महत्वपूर्ण उपयोग ग्राहक की ली जाने वाली रीडिंग ग्राहकों को उसके SMS द्वारा दी जाएगी। कमियां दिखाई देने पर या रीडिंग कम ज्यादा होने पर ग्राहक स्वयं फोटो लेकर रीडिंग भेज सकते हैं या समीप के महावितरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेजर आउटेज सिस्टम के काम के लिए जब लाइन बंद रखी जाती है तो उसकी भी जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। बिल जनरेट होने पर बिल का भी SMS ग्राहक को दिया जाएगा। विविध सुविधा ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेशन पर है। इस बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए मुख्य अभियंता दिलीप घुगल ने महावितरण की ओर से ग्राहकों से यह आह्वान किया है कि ग्राहकों ने नजदीकी उपविभागीय विभागीय कार्यालय में जाकर अपने सभी मोबाइल नंबर दर्ज करें और इस सेवा का लाभ उठाए। सद्यस्थिति चंद्रपुर परिमंडलात 7,692 ग्राहक है। चंद्रपुर परिमंडलात चंद्रपुर जिल्हा आणि गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश है। तो 7,692 ग्राहकापैकी 283,433 ग्राहकांनी आतापर्यंत आपले मोबाईल नंबर नोंदविलेले आहे सिस्टीममध्ये। त्याची टक्केवारी 40.45% आहे। याचा सर्वात महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे ग्राहकाला ग्राहकाचे जे काही रीडिंग घेतल्या जातील ते रीडिंग ग्राहकाला त्यांच्या SMS द्वारे कळवल्या जातील। त्यात जर ग्राहकाला काही त्रुटी आढळल्या, रीडिंग जास्त असलं, कमी असलं, तर ग्राहक स्वतःचा फोटो घेऊन रीडिंग पाठवू शकतो किंवा नजीकच्या महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क करू शकतो। दुसरं जे काही आमचे मेजर आउटेजेस आहेत, जे आम्ही सिस्टीमच्या कामासाठी लाईन बंद करत असतो, त्याची सुद्धा माहिती ग्राहकाला आम्ही मोबाईलवर देऊ। त्याच्यानंतर जो काही बिल जनरेट होईल बिल गेल्यानंतर, त्या बिलाचा सुद्धा SMS आम्ही त्या ग्राहकाला देऊ। आता नवीन सिस्टीममध्ये आता लेटेस्ट आमचं सर्क्युलर आलेलं आहे, जर कलेक्शन सेंटरवर तो मेसेज आपण दाखवला आपल्या मोबाईलमधला तर त्या मेसेजवर सुद्धा बिल ॲक्सेप्ट केल्या जाईल। अशा वेगवेगळ्या सुविधा याच्यामध्ये या मोबाईल नंबर अपडेशनमध्ये आहे। माझी ग्राहकाला विनंती आहे की जे 60% मोबाईल आमचे अपडेशन व्हायचे राहिलेले आहे, पर्टिक्युलरली गडचिरोलीमध्ये 70% अपडेशन बाकी आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 53% अपडेशन बाकी आहे। ग्राहकांनी त्यांच्या जवळच्या उपविभागीय विभागीय कार्यालयात जाऊन आपले सगळे नंबर नोंद करावे आणि या सेवेचा फायदा घ्यावा, असं आवाहन मी महावितरणतर्फे मुख्य अभियंता म्हणून करतो।